वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमारी प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज ऑफ फंक्शंस पे थी, जो कि मैंने तीन वीडियो में चैप्टर आपका कवर अप कर दिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी थियोरटिकल क्वेश्चंस के लिए, मे बी इन 4, मे बी इन 15, कुछ नहीं कह सकते। शॉर्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में कुछ भी इलेबोरेट किया जा सकता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे तो आप क्या समझते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है कि प्राइस जैसे ही बढ़ता है वैसे ही डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिमांड कम ज़्यादा होने लग जाती है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या है कि चॉइस होना कि ह्यूमंस की रिसोर्स डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज थोड़े हैं, उसे हम कहते हैं स्कार्सिटी, ठीक है। तो एक बार हम बेसिक पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, ह्यूमन बींग्स मेक चॉइसेस टू यूज स्कार रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार मतलब लिमिटेड, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी जैसे वो अपनी सेटिस्फाइड करते हैं उनकी अनलिमिटेड वांट, जो कि वांट्स पता है हमेशा अनलिमिटेड होते, कोई भी आपकी वांट का एंड नहीं होता। अगर आप पास सोचते हो आज मैं 2 ड्रेस ले लूँ, तो महीने बाद कोई और ट्रेंड आएगा तो आपका वो मन करेगा कि मैं ये वाली ड्रेस भी ले लूँ, तो ये आपकी अनलिमिटेड वांट हो जाती है, ये आपकी डिमांड, आपकी हैबिचुअल नेचर हो जाता है, जो आपके अंदर ऑलरेडी होता है, आपको ये डेवलप नहीं करना पड़ता। जैसे छोटे बच्चे जिद करने लग जाते हैं उसके देख के मुझे चाहिए, वो डिमांड ही होती है, वो उनकी वांट्स ही होती हैं जो कि आपके पेरेंट्स आपकी फुलफिल करते रहते हैं, ठीक है। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, उन्हें 2 वर्ड है, ओकिस में हाउसहोल्ड एंड नेविन में मैनेजमेंट, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, पीपल कांट हैव एवरीथिंग दैट दे वांट। अब हर किसी इंसान के पास वो नहीं है जो वो चाहते हैं, अब आपके पास हर एक चीज़ थोड़ी ना है। अब कहते हैं ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, नॉट एवरी वन इज़ परफेक्ट, हर एक पर्सन इम्परफेक्ट होता है, और ना ही किसी के 36 के 36 गुण होते हैं जो माँ जी की लैंग्वेज में होती हैं। तो वही बात है, पीपल कांट हैव एवरीथिंग दैट दे वांट, सो दे हैव टू चूज अमंग द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। स्कार्सिटी फोर्सेस पीपल टू चूज, जो स्कार्सिटी है वो इंसान मतलब पीपल्स को जो है उन्हें मजबूर करती है चूज़ करने के लिए, कि वो इंसान वो चीज़ें चूज़ कर ले जिनकी इनको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसकी 20,000 इनकम है, तो वो क्या करेगा, खाने पीने पे खर्च करेगा, एक दो जोड़ी कपड़ा लत्ते पे करेगा, बाकी वो सेव करेगा। वो गोल्ड या सिल्वर खरीदने की उम्मीद तो नहीं कर सकता ना, क्यों, उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है, उसकी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो कि 20,000 का है, और जो उसकी वांट्स अनलिमिटेड नहीं हो सकती, और ना ही वो उन चीज़ों को हासिल कर सकता, क्योंकि अगर वो हासिल करेगा तो वो खा पी नहीं पाएगा, वो रह नहीं पाएगा, ठीक है। इस वजह से तो इन्हें हम कहते हैं कि पीपल को चूज़ करना पड़ता है, स्कार्सिटी उन्हें फोर्स करती है इंसानों को चूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है, इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड द साइंस ऑफ चॉइस, द साइंस दैट एक्सप्लेन द चॉइस दैट पीपल मेक एंड प्रिडिक्ट्स हाउ चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस अफेक्ट देयर चॉइसेस। मतलब जो क्या है, जो साइंस ऑफ चॉइस है वो एक्सप्लेन करती है पीपल्स को कि वो इस तरह से अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर ले जो कि उनकी चॉइसेस को अफेक्ट करती रहे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद है डेफिनेशन। देखिए, इसकी 4 तरह से डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन क्या है, जो कि एडम स्मिथ ने दी है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, उनकी बुक है एक एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में आई थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स इज एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation, जो कि हमारी wealth of man को criticize करती है। इसके बाद आपकी second definition क्या है, जो कि material और welfare definition है, जो कि डॉक्टर मार्शल ने दी अपनी book of principle of economics में 1890 में, ठीक है। फिर एक और definition है scarcity definition, जो कि लॉर्ड रॉबिन्स ने दी है अपनी book
एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। ठीक है, गोल ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, जो कि समिलसुन ने दी है। आपको पता होगा समिलसुन पहले भी आ चुके हैं, तो देखिए क्या डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच ही अंडरटेक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ स्कार मीन्स। मतलब क्या है उनका, कि जो इंसान है वो कैसे कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकता है अपनी रिसोर्सेज को, अपने स्कार्स को, अपनी वॉन्ट्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले ले अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैमुएलसन। उसके बाद स्कोप देखिए इकोनॉमिक्स का। स्कोप का क्या मतलब है, देखिए जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। ठीक है, क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है। हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब उनकी लिमिटेशंस भी होंगी। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के लिए, वॉन्ट्स और मीन्स के डिलेमा को देखते हुए, नज़रअंदाज कर देखते हुए। ह्यूमन, अब देखिए एक चीज़ नोट करिए, लिखिए, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हम उन्हें लिमिटेड ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, पर हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे ही डिमांड एक्सीड करती है वैसे ही सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है स्कार्सिटी। क्या है स्कार्सिटी, रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इज मच मोर देन द अवेलेबल सप्लाई। ठीक है, मतलब प्राइस और जो सप्लाई है डिमांड को चेंज कर देती है हमारी अवेलेबल सप्लाई को। एक डिमांड कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, एक डिमांड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, फिर है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद देखिए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है, पता ही ये चीज़ हमें। बट साइंस क्या है, साइंस सोशल साइंस भी हो सकती है, नेचुरल साइंस भी हो सकती है, पॉजिटिव साइंस भी हो सकती है, नॉर्मेटिव साइंस भी हो सकती है, इन सब में डिफरेंस भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस विद अ क्वेश्चन मार्क। हमने प्रूफ नहीं किया है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, हमें देखना है, इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले दो फीचर आएंगे इसमें, कि साइंस है क्या, व्हाट इज अ साइंस एंड वट आर द फीचर्स ऑफ साइंस, फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप साइंस पढ़िए क्या है, वट इज़ अ साइंस। आप वो साइंस मत लेके बैठ जाना जो मेडिकल बच्चे लेके बैठते हैं, आप अपने कॉमर्स के अकॉर्डिंग साइंस पढ़ेंगे। द टर्म साइंस हैज़ इट्स ओरिजिन इन टर्म ऑफ साइंटिया ऑफ लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में हम इसे साइंटिया कहते थे, विच मीन्स टू नो, हमें जानना, टू नो मतलब जानना एक चीज़ के बारे में। ठीक है, Science is a systematic body of knowledge concerning the relationship between causes and effect of a particular phenomena. मतलब वो नॉलेज है एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक प्रॉपराइज एक फंक्शन के मैनर में, जिसे रिलेशन डिफरेंस करता है कि क्या होता है और क्या उसका इफेक्ट होता है, क्यों होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, एक अ पर्टिकुलर फिनोमिना मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फीचर्स देखिए, फीचर्स ऑफ साइंस। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल, अब जो इकोनॉमिक्स है वो ऑब्जर्व करते हैं प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सिमिलरली जब कंज्यूमर कमोडिटी बाय करता है अपनी यूटिलिटीज़ को करने में, तो उनकी जो यूटिलिटी गेन करता है उससे उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही वो उन्हें मेजरमेंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, मेजरमेंट। देखिए जो फैक्ट्स उन्होंने रिटर्न फॉर्म में या फिर और फॉर्म में कलेक्ट किया, उसे हम डाटा कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कि हमें, अब देखिए वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस या प्रोडक्शन या कॉस्ट, सप्लाई लेवल,
सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट करते हैं और जिसको हम डाटा भी कहते हैं। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन कहेगा, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा सिमिलरली वैसे ही डिमांड में भी चेंज आएगा। अगर प्राइस अगर 100 था तो आपकी जो डिमांड थी वो 1000 लेवल से ऊपर थी, जैसे ही प्राइस 120 हुआ जो वो आपकी डिमांड थी वो 900 पे आ गई। प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई, डिमांड बढ़ी तो प्राइस कम होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी ऑफ द लॉ। क्या होता है, जो ये होती हैं ये रियल एग्जम्पशंस होती हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं वैलिडिटी। कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, सारे लॉ ट्रू होते हैं, इसको हम एक एज अ वैलिडिटी टेकन लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करते हैं। वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन। जो इकोनॉमिक्स के लॉ होते हैं उसे भी हम वेरीफिकेशन का नहीं नाम देते हैं। अब उसके बाद है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस और अ नेचुरल साइंस, अ पॉजिटिव साइंस एंड अ नॉर्मेटिव साइंस। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए आप फीचर ऑफ साइंस तक ही कवर अप करके रखिए ताकि आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। अगर ये वीडियो में आपको इस यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, आई विल क्लियर इट टू यू। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दोनों सब कुछ कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। इट विल बेनिफिट फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितनी ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस या आंसर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।